ये बड़े जबरदस्त निशानेबाज है, इनका एक्शन बड़ा लाजवाब है। कितना दूर है यहाँ से? इतना 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 सा। कौन कह रहा है हमें भी लेके जाओ? बहुत सारे। ओके ओके ठीक है।
फिर आराम से जान दो गिरना नहीं नीचे, ठीक है। ओ भाई हो महाराज के बोल भाई जय, तू क्यों नहीं बोल रहा कुछ? बहुत जबरदस्त भीड़, बहुत जबरदस्त। Oh,
रास्ता रास्ता जान दो जान दो जान दो, उधर वालों को आन दो, इधर वालों को जान दो। आप किधर पे जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। आप नीचे जा रहे हैं? भाई मेरे को जान दो जान दो जान दो जान दो। इधर देख से मामी जान दो। अश्मा में आची खाने पीने। ये नीचे का रास्ता कहाँ जा रहा है? ये खेत में आप गए भी आप देख सकते हैं। आप कहाँ जाना? आप पानी पीना था मेरे को। पानी पीना ले जाएंगे? पानी पी ले यार भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो ठंडा है यार पानी है। कहाँ से लाए तुम? दुकान से? अच्छा ये वाला ना, बहुत ठंडा है। तुम्हारे पास तो लगा ही नहीं भाई, है चेहरा तो दिखा दो यार। भाई जी ये बढ़िया बनाना, क्या हाल है भाई? ठीक है आ गया। क्या बात, ये है कोरोना का नियम फॉलो करने वाले बंदे, पहले बंदे आज। बस चल रही है, व्यवस्था बारिश शुरू। आराम से नहीं, जल्दी खाओ, बारिश होती। अरे वाह बहुत सही, वीरेंद्र सहवाग तैयार बैठे हैं बैठ लेके समताड़ के भी। अच्छा बहुत जबरदस्त, सब तैयारियां चल रही है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये पैड पैड़ा ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज जबरदस्ती ठुसाए जा रहे हैं। वाह <वा। laughs>
बहुत आपस में खेलते हैं या जैसे समता आड़गी इनके साथ खेलेगी या आपस में नहीं अलग अलग दूसरी टीम के दूसरी गांव के साथ हाँ और जो जीतता है उसको कुछ उसका कुछ नहीं महाराज अच्छा खेल है बहुत बढ़िया विश्व का खेल है विश्व का खेल है कोई प्राइज नहीं है मतलब कोई प्राइज नहीं है अच्छा बहुत जबरदस्त माहौल भाई साहब ये तो जबराड़गी है भाई जी और ये जबराड़गी सारे खिलाड़ी तैयार होते हुए ओपनर बल्लेबाज रेडी गेंदबाज कौन है भाई जी भाई जी। ये है करोड़ा के खिलाड़ी अंदर से भाग और देख सकते हैं आप तीर और कमान उसकी तैयारियां चल रही खरोड़ा के बहुत सारे नाम कौन से गांव से है लो ये टीम कौन सी है किस गांव की टीम है कौन से गांव के और ये सेंज गांव के खिलाड़ी जबरदस्त भरपूर तिहारिया जबरदस्त ठुसाया जा रहा है पेड़ यहाँ पे खिलाड़ी को लंबा कर करके अच्छा ये ओपनर बल्लेबाज है ठीक है सही है सही है दो दो आदमी की जोड़ी हाँ हाँ अच्छा बहुत बढ़िया मतलब जब तक टाइम होगा यार हाँ हाँ जब तक टाइम होगा अच्छा ये मेला जो चल रहा है रात को भी चलता है रात को खत्म साढ़े चार बजे तक रहेगा उसके बाद खत्म खत्म है लोगों ने जाना भी है अब इनका नियम है किस टाइम अच्छा 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 हम तो बहुत नहीं रात को यहाँ गाने वाने नहीं लगे बहुत गाँव में चलो बहुत बढ़िया गाँव में बहुत जबरदस्त जबरदस्त तो आपने ये सब गाँव से ले आए बहुत दूर से आ रखे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप कहाँ से हाँ मैं पुट्टार से मैं पावर से मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैच शुरू हो चुका है जिस गांव की टीम ने इस बार हिस्सा लिया है वो इस प्रकार से हैं हटाड़ संताड़ जबराड़ खरोड़ा लुहारी सेंच बुराइला और भी टीमें हैं जिनकी अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है और ये जो खेल होगा ये धनुष बाण का अनोखा खेल होगा और इसमें जो टीमें खेलेगी वो जोड़े बना के खेले और ये पहला तीर धनुष से निकल चुका है और वे अपने लक्ष्य से भट गए तशरीफ में जाकर तीर लगा और ये लगा शानदार सटीक निशाना लक्ष्य को बेचता हुआ बहुत जबरदस्त तीर मार रहे हैं भाई साहब इन्होंने बहुत मार खाई है लेकिन अपने निशाने इनके जितने भी मैक्सिमम रहे हैं वो दोनों टांगों के बीच में इतने पास आ जाते हैं मारते हुए भी लेकिन निशाना सटीक नहीं लग रहा और इस बार खींचना शुरू किया रहा बहुत ज्यादा दूर दूसरे खिलाड़ी पे जाके लगा तीर मारना किसी और पे था लगा किसी और पे बिल्कुल दिशाहीन रहे पूरी तरीके से और इस बार भी भांगठा दोनों का जबरदस्त मुकाबला चल रहा है दोनों का कोई किसी पे सटीक निशाना नहीं मार पा रहा है इस बार तीर चढ़ा दिया है धनुष पे डोरी खींच ली है निशाना साधे हुए है और दूसरे खिलाड़ी भी अपने आप का बचाव करते हैं और फिर मिस कर गए हैं बहुत बार इन्होंने मिस करा लेकिन दोनों तरफ से चल रहा है इन दोनों का ये मेरे को जबरदस्त अनुभव खिलाड़ी लग रहे हैं लेकिन धीरे धीरे और ये चुपके चुपके पास आ रहे हैं
कम से कम 2 मीटर तक अंदर घुस चुके हैं, केवल 3 मीटर की दूरी होती है, और देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं या नहीं। जबरदस्त और ये कोई खाना नहीं, सीधा तशरीफ में जाके और उसके बावजूद क्या सुकून, क्या उमंग, क्या जोश है उनपे। और ये क्या जबरदस्त एक्सप्रेशन, जबरदस्त। बहुत करीब जाएंगे, नहीं इस बार थोड़ा सा पीछे, और सटीक निशाना लगा है इस बार, खुश है। ये खिलाड़ी तो इतनी मार खा चुके हैं, इनका स्टाइल ही चेंज हो चुका है। और ये खिलाड़ी जितने बुजुर्ग लग रहे हैं लेकिन उतने ही उत्साह, उमंग, जोश भरपूर है इनके अंदर, मजा आ रहा है इन्हें देख के। ये जो दोनों खिलाड़ी आप देख रहे हैं, इन्होंने कसम खाई है, भाई तू मुझे मत मारना, मैं तुझे नहीं मारूंगा। और ऐसा ही चल रहा है काफी टाइम से, हम देख रहे हैं इन दोनों के, दोनों बंदे एक दूसरे के मार नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। जबरदस्त एक्शन दिखाई दे रहा है उनका, लेकिन करीब है, एकदम पास में ही है, देखो निशाने का क्या होता है। और ये इस बार निशाना भी अच्छा लगा और तीर सीधे हमारी साइड आ रहा है कमेंट्री बॉक्स की ओर, और हमने इसको, मैंने कैच पकड़ के इसको वापस कर दिया था, बहुत शानदार कैच रहा था मेरा इस टाइम। मैं इस खिलाड़ी का ज़बरदस्त फैन हूँ, जो ज़बरदस्त है उनका, जितने भी ग्राउंड में खिलाड़ी दिख रहे हैं उनसे सबसे ज़्यादा। और ये क्या और यहाँ पे कदम ताल शुरू कर दी, अनुभव का फायदा उठाएंगे आज। जी हाँ बिल्कुल, फायदा मिला उन्हें अनुभव का, और इस बार वो बच गए हैं, तीर दिशाहीन रहा। और ये इस बार जबरदस्त निशाना सीधा लक्ष्य पे जाके टकराया, और इस बार बुजुर्ग ने तगड़ी मार खाई है, तीर काफी ऊंचा उछल गया है। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, खेल शायद अपने जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये इनका एक्शन भी जबरदस्त, आप देख सकते हैं जोर से खींच रहे हैं, ऐसा लगता है सदियों पुरानी दुश्मनी को आज ही खत्म करनी है। दिखते हैं निशाना क्या सही लगेगा या नहीं, इसका इंतजार रहेगा। और यह निशाना ठीक रहा, मैदान में बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। जहां तक मौसम की बात करूं, आसमान में काले काले बादल आ चुके हैं और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है, मैच भी अब समाप्त हो रहा है। सब लोग अपने अपने धनुषबाण और अपना सामान को समेट रहे हैं, और बारिश से बचने के लिए श्रद्धालु भी सुरक्षित स्थान में पहुंच रहे हैं। और अभी 4:30 बज रहे हैं और सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब यहाँ से दोस्तों 5:30 बजे का टाइम हो चुका है शाम का, और भीड़ भी लगभग कम हो चुकी है, और सभी लोग अपने घरों के लिए जा रहे हैं वापस। और तो मैंने भी चलना शुरू कर दिया है, मुझे भी शाम को देहरादून पहुँचना है, तो फिर अब हम लोग भी जा रहे हैं। और जिन भाई लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।